नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। असहायों को मिला भारत सरकार का सहारा। फतेहाबाद के दिव्यांगों को मिला 20 लाख रुपए के उपकरण। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से भेजे गए 20 लाख रुपए के उपकरण दिव्यांगों को बांटे गए। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने भारत सरकार की ओर से भेजे गए उपकरणों को दिव्यांगों को सुपुर्द किए और इस मौके पर सांसद बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वपूर्ण योजना के जरिए अधिक से अधिक असहायों को सहारा मिले, ऐसी कोशिश भारत सरकार की है। सांसद ने इस दौरान कोरोना मरीजों को दवाइयां वितरित की और खाना वितरित के विषय में बदसलूकी की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा सांसद दुग्गल ने SYL के पानी को लेकर के कहा कि भारत सरकार के मध्यस्थता से और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बीते दिन बातचीत हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारत सरकार की मध्यस्थता और उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद में हरियाणा को इसके हिस्से का पानी जल्द मिल जाएगा। वहीं बारिश के चलते फतेहाबाद में जल भराव की समस्या को दूर नहीं होने के सवाल पर सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट ली गई है। पानी की निकासी को लेकर के जरूरी कार्य के लिए टेंडर पारित हो चुके हैं और बारिश के बाद जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा, इससे पानी निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबो की विशेष रिपोर्ट। न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से जो दिव्यांग हमारे भाई हैं उनको यहाँ पर जो है वो उपकरण दिए जाते हैं, तो उसमें अभी तक हमारी सरकार की तरफ से 30 लाख से भी ज़्यादा रुपए के जो है उपकरण दिए जा चुके हैं। आज जो है वो 55 उपकरण हमारे इन भाइयों को, बहनों को जो है वो दिए गए हैं, जिसमें ट्राई साइकिल भी है, जिसमें कानों की मशीन भी है और जिसमें जो है ये साइकिल आपने देखी जो है, तो ये सभी दिव्यांग भाइयों के लिए। पहले एक इनका जो है एक जो ये सर्वे किया जाता है, उस सर्वे में जो भी हमारे ऐसे दिव्यांग भाई आते हैं तो उनको फिर उसके बाद ये उपकरण दिए जाते हैं। ये भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग के नाम से जो है ये इन सभी भाइयों और बहनों की सहायता करने की जो कोशिश की है, तो ये उसी का ही एक प्रारूप था। और ये कार्यक्रम इससे पहले भी हुए और आगे से हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिला मुख्यालय पर जो है ये कार्यक्रम हो और बड़ी बहुत बड़े रूप में हो, और जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं वो उससे पहले सारे सर्वे में अपना जो कुछ भी उनको दिक्कत है वो यहाँ पर रेड क्रॉस डिपार्टमेंट में यहाँ पर और DC साहब के पास अपना बताकर उसके बाद जो भी सहायता हो सकेगी उनको दी जाएगी सरकार की तरफ से। एक जो है यहाँ पे फतेहाबाद से काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही है कि जो कोरोना के मरीज हैं उनको नहीं तो दवाई वगैरह कोई दी जा रही है, और अगर दवाई देते हैं तो वो बाहर फेंक देते हैं, और जो खाना है वो खाने भी बाहर फेंक के चले जाते हैं जो अधिकारी हैं। ये ऐसी बात नहीं है, मैं अभी बात करती हूँ CMO साहब से, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि जो ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये भी अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो सभी का इलाज करते हैं। अगर कहीं किसी एकाध किसी अधिकारी या कर्मचारी की वजह से कहीं कोई इस तरह का मामला आया है तो मैं उसको जरूर देखूंगी मैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी कोशिश ये है कि हम सब लोग मिलकर जो है वो इस कोरोना महामारी से निपटें, इससे लड़ाई करें और इसको हम दूर भगा दें और इसको यहाँ से हरा दें। एक पिछले जो दिनों यहाँ बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा हुआ था उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, बावजूद उसके भी यानी कि पानी का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, उसमें सारी चीजें मैं खुद गई थी वहाँ पर धर्मशाला रोड पर, उस धर्मशाला में मैंने जाकर सारी समस्या का जो है वो मैंने देखा था, संज्ञान लिया था, और उसके बाद जो है उसमें 103 लाख का एक और 170 लाख के करीब एक दो जो है उसमें टेंडर पास हो गए हैं, जिसके अंदर जो है वो सीवरेज का भी और इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो जो सिस्टम बनना है पानी का उसके लिए भी जो है
वो सरकार की तरफ से पास हो गया है, लेकिन ये बारिश की वजह से अभी जो है जैसे ही बारिश थोड़ा खत्म होती है तो तुरंत प्रभाव से वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा और उनको जो है राहत मिलेगी। एक जो भाजपा सरकार है मैम, ये हरियाणा में SYL जो पानी है वो कब तक लेके आएगी? देखिए ऐसा है कि आपने देखा ही होगा कि कल भी जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों ने हमारे जो जल संसाधन के मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी उनके मध्यस्थता में एक जो बैठक करी है, तो उसके बाद उनका बड़ा सौहार्दपूर्ण बैठक जो उनकी हुई है और उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि एक हफ्ते के बाद दोबारा से इसके ऊपर चर्चा होगी और वो सारी रिपोर्ट फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो हमारी है सर्वोच्च एपेक्स हमारी कोर्ट है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को वो सारी रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत जो हमारी भारत सरकार के साथ जो मध्यस्थता में ये जो बैठक होंगी इनकी अच्छे जो है सकारात्मक इनके रिजल्ट निकलेंगे और हमें हमारे हिस्से का पानी मिलेगा। एक जो भाजपा के जिला अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो किस आधार पर किए गए हैं? देखिए जिला अध्यक्ष जो है जो भी पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर नियुक्त किए जाते हैं वो संगठन का एक अपना एक सिस्टम होता है कि किस तरह से जो है सबसे पहले नीचे से राय शुमारी होती है, उस राय शुमारी के बाद जो निर्णय लिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी जो अधिकारीगण हैं उन सब के साथ जो है बैठकर निर्णय लिया जाता है और पूरे 22 के 22 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष जो है नियुक्त हो चुके हैं। मैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक किसान जो जीवन बीमा मिल रहा है मैम, इसमें बिचौलिए पैसों की मांग जैसे कर रहे हैं तो नहीं, अगर कोई मामला है आप स्पेसिफिक मेरे पास